भाई ये तो R1 वाला लुगारा, अगर कॉलिंग हटा दो बाहर की, सेम R1 का लुगारा। देख लिए कितना फर्क है, ये रिफ्लेक्टर और ये प्रोजेक्टर, कितना खतरनाक लोग आता है। तो भाई फाइनली सारी सुपर बाइक्स में एक ही चलता है, सारी सुपर बाइक्स में। लेकिन भाई हम जो लाइट बना रहे हैं वो R1 इंस्पायर्ड बना रहे हैं, R15 जो अपनी है इसमें R1 इंस्पायर्ड हेडलाइट लगवाई है हम लोगों ने। क्या लगवाई क्या भाई, खुद ही डिजाइन करी एक तरीके से। आपका भी देखिए, हम 3-4 ब्लॉग देखी थी यार। Hey guys, welcome back to my another vlog of Lakhtavi Vlogger. तो आज जा रहे हैं कुछ स्पेशल करवाने हम लोग। पहला तो क्या है कि हम लोग जब लौटे थे ट्रिप से, साथ में भाई अपने गौरव भी हैं, मिला देते हैं। तो आज कुछ ट्रिकी काम है और फिर उसके बाद हम लोग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी ऑर्डर कर दी है, जैसा कि लास्ट पुलिस वालों ने रोक लिया था। बोल रहे थे कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं आपके पास, तो हमने कहा चले भाई ठीक है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स भी सही तो ऑर्डर कर चुके, वो भी आज आ गए हैं। तो अपने को जाना ये भी काम कराने, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हो गया और टायर का हो गया, प्लस एक चीज़ और है जो हम लोग लास्ट ट्रिप में बहुत ज़्यादा फेस किए, क्या लाइटिंग का। तो कुछ खतरनाक से भी खतरनाक होने वाला है लाइटिंग को लेकर, है ना भाई? बहुत खतरनाक होने वाला है। तो आज अगर हो पाया लाइटिंग का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होने वाला है, वो अगर हो पाए तो ठीक है, वरना वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। हाँ जी, तो ये बवाल चीज जिसकी बात कर रहे थे, तो ये है प्रोजेक्टर और जिसमें अपर डिपर में इलेक्ट्रो मैकेनिकली यूज होता है। ये आप जो देख रहे हैं ये मोटर के थ्रू वर्क करता है। तो इसके लिए अभी क्या कर रहे हैं कि रिफ्लेक्टर निकाल दिया है, रिफ्लेक्टर भी निकाल दिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। देख रहे इतना मैसिव प्रोजेक्टर है, हेडलाइट आ नहीं रहा जैसे हम लोग सोचे थे बाहर से, लेकिन भाई साहब रोशनी का तरह ना हमें पहाड़ काटना। ये तो R1 वाला लुगारा, अगर कॉलिंग हटा दो बाहर की, सेम R1 का लुगारा। देख लिए कितना फर्क है, ये रिफ्लेक्टर और ये प्रोजेक्टर, कितना खतरनाक लोग आता है भाई साहब, मतलब जबर भाई। इसीलिए तो ये चेंज कराई भाई, लुक इतना इनहेंस हो जाता ना गाड़ी का जिसको कोई जवाब नहीं। दूसरी वाली लाइट, ये प्रोजेक्ट अब रिफ्लेक्टर आ गया बाहर, अब बारी है दूसरे प्रोजेक्टर की, हो गए एकदम परफेक्ट भाई साहब। एकदम परफेक्ट है सिलिकॉन। तो हेडलाइट हो गई है परफेक्ट ओरिजिन R1 लुक के साथ। भाई ये हमारे रिहान भाई हैं, काम कर रहे थे इसलिए पीछे बता नहीं पाए। तो भाई साहब इतना तगड़ा काम, इतना भयंकर काम। और कितने साल से कर रहे हैं भाई ये काम? 6 साल। 6 साल से कर रहे हैं, समझिए कितना खतरनाक परफेक्शन होगा किसी चीज़ को लेके। तो अब बात आती है कनेक्शन की, कनेक्शन कराते हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्या आती है इसका आउटपुट, मिलते हैं फिर। हाँ जी, तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन अपनी बाइक में लाइट इंस्टॉल होनी है। हाँ जी, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पहले ये पैनल खोला जाएगा, इधर वाले खोले जाएंगे और नीचे वाले खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये निकाला जाएगा, तो इसके लिए यहाँ वगैरह स्क्रू दिए रहते हैं यहाँ पे, तो ये सब खोल के
निकालना, पूरा हेडलाइट ही निकालनी है। उसके बाद में हेडलाइट के यहाँ पे स्टे में बोल्ट दिए रहते हैं, ये स्टे है हेडलाइट का, इसके अंदर हेडलाइट के बोल्ट दिए रहते हैं, तो वो खोलना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ दिखाते हैं आपको। फिलहाल ये पीछे का पोर्शन खोल दिया क्योंकि हम लोग को बैटरी का भी ऐसा चाहिए था, तो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, करते भी प्रॉपर क्लियर करते हैं। तो बैटरी कैसे चाहिए था क्योंकि इसी से कनेक्शन वगैरह देने, रिले वगैरह देने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वॉट के हम लोग लगा रहे हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। तो लगभग खुल गई है। यहाँ पे होते हैं ये हेडलाइट के नट, ये स्टे हेडलाइट का स्टे, ये है, ये लगे होते हैं हेडलाइट के नट, सेम इधर होता है, और एक ये छोटे छोटे नीचे लगे होते हैं, एक ये और एक इधर, जो कि खोलना है थोड़ा सा टफ कॉल होती है, लेकिन हम लोग कर चुके हैं 3-4 बार। तो हेडलाइट हमारी खुल चुकी है, कुछ ऐसे दिखती है हेडलाइट खुलने के बाद, थोड़ी सी अजीब सी अटपटी सी। तो हेडलाइट खुल के इधर आ गई है। तो हेडलाइट के साथ ही आपका विंडशील्ड, ये आपका वाइज़र और ये लगा रहता है हेडलाइट। तो इसको भी डिसेबल कर सकते हैं, यहाँ पे एक मिनट दिया रहता है बीच में। झाड़ लेते भाई, फिर पकड़ते। एक सेंटर में भी स्क्रू लगा रहता है। ओ भाई, ये हो गए डिसेम्बल, डिसअसेंबल। ओके, ये हो गया भाई वाइजर अलग। कैसा लग रहा भाई? भाई ये निंजा टाइप का नहीं लग रहा अंदर से? कोई नहीं, अब करना ये है, नई वाली लाइटें फिट करनी है, कनेक्शन देना है, पूरी वायरिंग करनी है, उसके बाद कहीं जाके फेयरिंग लगेगी। अब आया गेम पॉइंट, चलिए दिखाते हैं। जो पहली वाली हेडलाइट थी उसमें भी कपलर टू कपलर ही काम होता था, क्योंकि प्रोजेक्टर्स में कपलर नहीं आते थे, और ये वाले प्रोजेक्टर भी आना बंद हो गए। तो इस वाले प्रोजेक्टर के लिए देखिए, ये तो इतने बाहर निकले हुए हैं, और उसमें भी भाई कपलर टू कपलर ही होना है। हाँ जी, तो ये कपलर जॉइंट हो गए हैं, कपलर जॉइंट हो गए हैं। अब बात आ गई है भाई वायरिंग की। तो ये हम लोग वायरिंग लाए थे मिंडा की, उधर वायरिंग। अगर आप कार बाइक के बल्ब बढ़ाना चाहते हैं तो आप कार की हेडलाइट वायरिंग ले सकते हैं, जो मिंडा में ओरिजिनल मिल जाती है। और बाइक में यह है कि स्पेस नहीं है उतना, तो आप इसको साइड से रख सकते हैं कहीं भी, इससे आपकी गाड़ी की वायरिंग सेफ रहेगी, आपको एडिशनल कोई वायर नहीं लगाने पड़ेंगे। और रिले वगैरह भी, कोई नाटक नहीं कि वायर हो सकता कि हल्के वो रहते हैं बाइक में इन कंपेरिजन टू कार, तो क्या है जलने वलने का बहुत डर रहता है, या हो सकता है पिघल जाते हैं, ऐसा हो जाता कभी। तो ये 806 रुपये की थी, और अगर आप थोड़ा जानते हैं मार्केट वगैरह में तो इसको थोड़ा कम प्राइस में पा सकते हैं। हाँ, आराम से आपको बस बार्गेनिंग करनी पड़ेगी हर की। तो हम लोग को ये 600-650 रुपये के आसपास आई है ना भाई। तो इसमें सब कुछ है, सारे कपलर हैं, रिले है, ठीक है, ये रिले है आपकी, इसमें ही फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये आपके दो फ्यूज़ लगे हुए हैं, प्लस आपकी पूरी केबल आई हुई है, ये आपके हेडलाइट में कपलर लग जाएंगे, ये आपके बैटरी में टर्मिनल लग जाएगा। तो भाई हिसाब किताब बढ़िया है, कुछ इस तरह से होगा ये काम।
ऐसा कपलर लगेगा, कपलर टू कपलर काम, कपलर टू कपलर कॉइल होगा। बहुत बढ़िया, चलिए पहले सेट कर रहे थे थोड़ा किधर से क्या केबल जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो इतनी बड़ी वायरिंग होने की वजह से हम लोग को ये साइड पैनल भी खोलना पड़ गया। तो यहीं पे अपनी बैटरी है, तो यहीं से सारी वायरिंग किनारे किनारे इस पैनल के नीचे चली जाएगी। और इनफैक्ट ये वाला भी पैनल खोलना पड़ रहा है। टैंक के नीचे क्या ये फ्लैट टैंक होता है, तो टैंक के नीचे भी बहुत सारी जगह होती है, लेकिन उसको छेड़ नहीं रहे। अगर कोशिश कर रहे हैं बिना टैंक छेड़े अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर सर्विस में भाई टैंक खुलता है, तो फिर वो वायरिंग टच हो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि ऐसे काम, मुझे जैसे ये पैनल है इसके किनारे किनारे पूरा जगह रहती है, देखते हैं करके कुछ हो जाता तो। मल्टीमीटर अर्थिंग चेक करनी है बस। किसकी गाड़ी में है कि नहीं, वरना अर्थिंग के लिए वायर डालना पड़ेगा ना। तो भाई ये रिले इधर फिट हो गई है, बहुत मुश्किल से जुगाड़ उगाड़ करके इधर से निकाली, क्योंकि जगह बहुत कम थी, रखने की जगह बहुत है, निकालने की जगह बहुत कम थी, क्योंकि इतना यहाँ से कोई स्पेस नहीं था। तो अभी भैया मल्टीमीटर देना है, वायरिंग की अर्थिंग चेक करनी है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थोड़ी समस्या, तो एक बल्ब रखे हुए थे, लगा के देखे, अपर डिपर पे पूरा काम कर रहे हैं भाई। ये कर रहा हूँ मैं अपर डिपर, बात ये है ना भाई, बल्ब भी चले चले बंद हो जाते हैं, आगे चलना चालू हो जाते हैं। मतलब बल्ब के जो लोअर वाले होते हैं वो फिलामेंट बंद हो जाते हैं। हाँ वो तो है ही। इन लोगों में क्या समस्या आ रही है यार, बोल ना उनमें भाई मतलब नहीं है। तो भाई अगर लो बीम पे ये जल रहा है तो लो बीम पे फिर इसको भी जलना चाहिए ना, ये क्यों नहीं जल रहा है? और फिर लो बीम पे अगर ये जल रहा है तो फिर हाई बीम पे ये क्यों नहीं जल रहा है? तो भाई इतनी देर माथा पच्ची करने के बाद आपको बता देते हुआ क्या, इतनी देर से परेशान है, लगभग 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं। समस्या ये है कि जो ये वायरिंग है ये H4 कपलर के लिए है, और जो अभी हम लोग बल्ब लगा रहे हैं इसमें, जो बल्ब इसमें लगे हुए हैं वो H7 बल्ब हैं। H7 बल्ब मतलब उसमें सिर्फ 2 पिन आती हैं इधर और इधर की, उसमें अपर नहीं होता, मतलब 2 ही पिन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो सीन बस यहीं फंस रहा था कि जो ये वायरिंग है पूरी इसके साथ अगर लगा रहे हैं तो एक बार का जल रहा था, जैसे अगर लो बीम पर रख रहे तो ये जल रहा था, हाई बीम पर तो सिर्फ ये जल रहा था, हाई बीम पे दोनों जलते, लो बीम पे एक जलता है। R1 यामा R1 लीजिए लिए उसमें भी एक ही जलता है, R15 जो ये मॉडल आती है इसमें भी एक ही जलता है, वो भी लेफ्ट वाला। तो भाई फाइनली सारी सुपर बाइक्स में एक ही जलता है, सारी सुपर बाइक्स में, लेकिन भाई हम जो लाइट बना रहे हैं वो R1 इंस्पायर्ड बना रहे हैं, R15 जो अपनी है इसमें R1 इंस्पायर्ड हेडलाइट लगवाई है हम लोगों ने। क्या लगवाई क्या भाई, खुद ही डिज़ाइन करी एक तरीके से, सब कुछ खुद ही कराया भाई। तो एक ख़तरनाक मॉडिफिकेशन भाई, शाम को आपको लाइट देखने को मिलेगी। तो फटाफट करते हैं इसको फिक्स, लगाते हैं इस पर, तो मिलते हैं शाम को सीधे लगाने और फिक्स करने के बाद। जी तो वायरिंग हो गई है, एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी है भाई ये। तो पहले करते हैं स्टार्ट, नहीं पहले जगह आते हैं DRL। हाँ गौरव भाई DRLs
आए हाय भाई साहब क्या बात, वाह वाह। अभी साफ ऑफ करना बाकी है, बहुत ज़्यादा हाथ हाथ लगे थे। लेकिन भाई क्या दिख रही डी आर एल, आए हाय। ये लो बीम है और ये हाई बीम है। लो बीम तो लो बीम में क्या है कि एक ही जलता है, तो एक ही R1 को इंस्पायर्ड करते हुए, और देख रहे हैं क्या एकदम फैल के आ रही रोशनी, ओरिजिनल प्रोजेक्टर वाला हिसाब किताब। आए हाय हाय भाई साहब, लो लो क्या मतलब ये चीज़ ना भाई, जो ऐसा करके फैल के जाती है वो भाई प्रोजेक्टर वाली चीज़ ना तगड़ी है। पूरा मजा ले रहे, देख रहे हो हंस, देख रहे हो कैसे रहे। और हाथ इसलिए पीछे किए हैं क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हम लोगों के, देखेंगे आप तो क्या कहेंगे ये देखिए। और कुछ लग भी जाती है हमेशा, मतलब कोई काम होता तो लग तो जाती है, वो लग गई और दोनों हाथ बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। टॉर्च दिखानी है और एक नाटक और भाई, जैसे हेडलाइट ने बहुत रुलाया वैसे ये नाटक देखिए। अब इंडिकेटर भी है इसमें साथ में, तो अगर इंडिकेटर हम जलाते हैं तो ये ऑफ पोजीशन में इंडिकेटर भी जलता है, कितनी क्लासी लग रही है, बहुत प्यारा। अभी चलाते हैं हम राइट का, तो भाई इधर वाले को क्या दिक्कत है अब। हाँ ये DRL ऑन पे चल रहा, पता नहीं क्यों 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 भाई। अभी भाई जला था एक बार मुझे लगा। हाँ जी, तो आज है तीसरा दिन। उस दिन हम लोग ने ट्रायल पे गए थे, इसका फ्यूज़ उड़ गया, मतलब जो फ्यूज़ वगैरह वायरिंग में थे, तो फ्यूज़ वगैरह दोबारा से सब वायरिंग वगैरह करी, परफेक्ट किया। उसके बाद अब फिर जा रहे हैं रोशनी का ट्रायल करने, क्या रिस्पांस है। अभी लगभग लगभग रात हो ही गई है, तो फ्यूल वगैरह भी डलवाना है, फ्यूल भी हो जाएगा। और भाई मेरे दिन ना सुधर नहीं रहे हैं एक्चुअली मेरा पैर मुड़ गया और थोड़ी सी इंजरी हो गई, डॉक्टर ने मना किया चलने वाले से, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या सीन। तो आ गए फ्यूल डलवाने। ये भाई क्या दिखती है भाई, क्या एक नंबर डाल दो भैया, पेटीएम कर दिया। सीधा सीधा डॉक्टर ने मना किया चलने को 15 दिन के लिए, लेकिन भाई वीडियो बनाना है, कंटेंट बनाना है, तो कैसे भी करना तो भाई चलते हैं कहीं लो लाइट इमेज में, लो लाइट में जहाँ पे लाइट वगैरह ना हो, ऐसा कोई देखते हैं पैच, ऐसा कोई पैच है नज़र में, उसी पैच पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या ब्राइटनेस है गाड़ी की। हाँ जी, तो आ गए हैं ट्रायल पे। ये एक DRL में कुछ समस्या आ गई है, इसको भी देखेंगे घर जाके। तो इट्स टाइम फॉर लाइट चेक। डाउन जलाए भाई, अरे रुक जाओ पहले पहले दिखा दे अंधेरा कितना है, कितनी रोशनी आ रही है। गाड़ी गाड़ी को निकल जाने देते हैं। हाँ भाई जलाइए, ये अपनी डाउन भाई साहब, मतलब ये है लो बीम। तो लो बीम में क्या है कि R15 के कोई भी आप गाड़ी लेंगे यामाहा में, तो एक ही लाइट जलती है जो कि लेफ्ट वाली होती है, जो भी डाउन में जलती है। R15 में इनफैक्ट यही होता है और R1 में भी यही होता है। और हाई बीम लीजिए, ये और ये देखिए भाई उजाला, सीधी करिए गाड़ी, यह बात मतलब कोई सामान लेके जा रहा है तो उसके पन्नी के अंदर तक दिख जा रहा है, इतनी अच्छी रोशनी हो गई है देखो कोई मारे ना बस लंगड़े इंसान को। तो भाई कितनी कितनी क्लियर लग रही है भाई, कितना कितना प्यारा भाई, आय हाय हाय हाय, मतलब क्या ही कहना यार। प्रोजेक्टर की ये साइड साइड से ये लाइट भी निकल रही है, ये भी बहुत क्लासी लग रही है, और क्या ही कहना यार। मतलब भाई पूरी एक बार बंद करो, ये देखिए इतना इतना अंधेरा है, जलाइए पूरी भाई साहब,
तो भाई भाई साहब अपनी लाइट हो गई एकदम परफेक्ट। हाँ जी, तो इतनी परफेक्ट लाइटिंग है, अब बताइए गौरव भाई कहाँ चलना है, कौन से पहाड़ पे चलना है? चांद के पहाड़ नहीं, अभी पहले सारा कुछ यहाँ वाला क्लियर करते हैं। किसी पहाड़ पे चलते हैं, किसी पहाड़ पे चलते हैं, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अब की बार कुछ, हम लोग के लिए पहली बार है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जहाँ हम लोग जाने की सोच रहे हैं। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा डिले हो जाएगा क्योंकि मेरे को गाड़ी वाड़ी चलाने से मना किया गया है, बहुत ज़्यादा सॉइलिंग आ चुकी है, अभी एक्सरे वगैरह कराया है, एक्सरे वगैरह कराया तो रिपोर्ट उसकी कल आएगी, देखते हैं उसमें कुछ हेयर लाइन वगैरह तो नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉइलिंग आ गई, मैं पैर ज़मीन में नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है भाई, वीडियो टाइम पर आनी है तो ये करना पड़ रहा है। तो होप सो आपने इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को, अगर यहाँ तक देखी है तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, और कमेंट करिए कैसी आपको लाइट लगी, क्या मॉडिफिकेशन आप ढूंढ रहे हैं, क्या कराना चाहते हैं, जो हमसे हेल्प हो सकती है भाई बेस्ट से बेस्ट हम लोग करेंगे, जो मोस्टली हम लोग सारे कमेंट्स तो पढ़ते हैं, सारा का रिप्लाई भी करते हैं, तो अपने व्यूज़ आप देखिए कि क्या कैसा रिस्पॉन्स था, आप क्या कराना चाहते हैं, अगर आपके भी R15 है, वर्जन 3 है, वर्जन 2 है, वर्जन 4 है, कोई इशू नहीं है भाई, क्योंकि R15 भाई चला रहा है 2012 से R15 चला रहा है भाई, मैंने तो ली थी 2014 में। तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी करिए लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं, और मिलते हैं कुछ और कंटेंट के साथ, नए व्लॉग के साथ कुछ और तगड़ा लेके, तो टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय। नाम बता, यूट्यूब पे देखा होगा, लखनवी व्लॉगर, लखनवी व्लॉगर, हाँ जी ये लिखा है, देखते हो? हाँ जी, एक दो बार हम देखे हैं, हम कुछ समय स्कूल के वजह से ब्लॉग तो देखते नहीं हैं, पर आपका भी देखे, हम 3-4 ब्लॉग देखी थी, याद नहीं, ऐसे लोग मिल जाते हैं यार, बहुत अच्छा लगता है लिटरली, ये भी आएगा फिर, बात ये है ना भाई, कभी हम थे जो R15 देखते थे यार ये गाड़ी है, ये लेनी है, तो आई अपने पास है, तो वही एक लगता है कि ये बात भाई, रॉर देखिए, रॉर कितनी खतरनाक।